जी नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 7 त्रिभुज और त्रिभुज के अंतर्गत हम आज प्रमेय है 7.2 जो प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमेय 7.2 इस प्रकार है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते। अब आपको क्या है कि इस प्रमेय को सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या है कि सबसे पहले इस प्रमेय को किस तरीके से सिद्ध करते हैं इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, त्रिभुज कैसा दिया हुआ अपने को, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर नाप की है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु है, लेकिन अपने को इसमें क्या बराबर भुजाओं के जो समूह कोण है वो समूह कोण बराबर होते हैं, ये अपने को इसमें बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले एक अच्छा चित्र बना लेंगे। अब आप देख रहे इसके अंदर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी के अंदर क्या है कि दो भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी, एक तो एबी और एक एसी, दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर। त्रिभुज एबीसी कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एबी और एसी दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाएं के जो समूह कोण है, जैसे भुजा एबी भुजा एबी के सामने है कोण सी, और इसी तरह से भुजा एसी इसके सामने कोण बी, इन दोनों कोणों को क्या करना अपने को एक दूसरे के बराबर बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रमेय के अनुसार एक अच्छा चित्र बना लिया, त्रिभुज बनाया। लेकिन त्रिभुज कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा एबी और भुजा एसी दोनों एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त के अनुसार तो अपने को प्रमेय के अनुसार एक अच्छा चित्र बना लेना है। अभी आप कच्चा चित्र देख रहे हैं, इस कच्चे चित्र के अनुसार ही अपने को क्या है कि लिखने का भी काम करना है। अपन लिखेंगे तो सबसे पहले प्रमेय लिख रहे हैं तो अपन कैसे लिखेंगे, दिया हुआ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी दिया हुआ लिखेंगे अपन, त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा एबी बराबर एसी है दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये तो अपने को दिया हुआ। उसके बाद अपने को सिद्ध करना या ज्ञात करना, क्या सिद्ध करना अपने को, कोण बी बराबर कोण सी यानी दोनों कोणों को एक दूसरे के बराबर बताना है। उसके बाद रचना, रचना में क्या देखो आप, कोण ए है, कोण ए का समद्विभाजन है, क्या हो रहा है, कोण ए का समद्विभाजन एडी, ये एडी क्या भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है या बिंदु डी पर मिल रहा है, ठीक है। तो अपन रचना लिखेंगे, रचना में कोण ए का समद्विभाजन एडी जो बीसी से डी पर मिलता है, ठीक है। अब रचना लिखने के बाद में इसको क्या करना है, इसमें उत्पत्ति लिख रहा है। अब उत्पत्ति अपन कैसे लिखे, उत्पत्ति लिखे या हल लिखे, उत्पत्ति में आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखो दो त्रिभुज नजर आ रहा है, जैसे हमने कोण ए का समद्विभाजन किया, कोण ए का समद्विभाजन एडी, एडी क्या कर रहा है इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांट देता है इसको। तो अब आपके सामने दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो क्या बी ए डी और दूसरा त्रिभुज हो गया आपके सी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों को देखना अपने को, ठीक है। तो त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए डी इन दोनों त्रिभुजों को देखना, लेकिन यहाँ अपने को देखते समय अपने को ध्यान रखना सर्वांग समता का नियम भी अपने को, दोनों त्रिभुज कौन से सर्वांग समता के नियम से ये सर्वांग सम हो रहे हैं। तो दोनों त्रिभुजों को आप देख रहे हैं त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए डी। अब त्रिभुज बी ए डी के अंदर देख रहे हैं आप भुजा ए बी और इसी तरह से त्रिभुज सी ए डी के अंदर भी आप देख रहे हैं भुजा ए सी दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी जो कि अपने को दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कोण ए का समद्विभाजन हो रहा है, कोण ए का समद्विभाजन कोण यानी भुजा ए डी, ए डी के द्वारा कोण ए का समद्विभाजन, इसका मतलब आपका कोण बी ए डी इधर से और इधर से कोण सी ए डी दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी त्रिभुज बी ए डी जिसका कोण बी ए डी और इसी तरह से त्रिभुज सी ए डी जिसका कोण सी ए डी दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, यानी कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कारण में अपन क्या लिखेंगे रचना से। उसके बाद आप देखो इसके अंदर ए डी, ए डी भुजा क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा,
इस सरसर ने दोनों त्रिभुजों को देखा, त्रिभुज बीएडी जिसकी दो भुजा और उनके बीच का कोण, इसी तरह से त्रिभुज सीएडी जिसकी दो भुजा और बीच का कोण क्रमशः कैसा है, बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समांतर है। अगर अपन त्रिभुज बीएडी को काट के त्रिभुज सीएडी के ऊपर रख देते हैं तो त्रिभुज बीएडी त्रिभुज सीएडी को क्या करेगा, पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। अतः त्रिभुज बीएडी सर्वांग सम त्रिभुज सीएडी, नियम क्या बन गया, नियम बन गया सर्वांग समता का, एस ए एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अतः कोण बी बराबर कोण सी बाई सी टी सी टी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, संगत अवयव में भुजा भी हो सकती है कोण भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है सर्वांग सम त्रिभुज के ये दोनों कोण है यानी कोण बी और कोण सी दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो बाई सी टी सी टी में हम क्या करेंगे दोनों कोणों को एक दूसरे के बराबर यानी कोण बी बराबर कोण सी, इस तरह से हमने क्या किया इस प्रमेय को सिद्ध किया। तो सिद्ध होते ही नीचे अपने को एक्स बी या ई सिद्ध हम अपने को लिखा, ठीक है। तो हमने जिस तरह से सबसे पहले प्रमेय देखी, प्रमेय के अनुसार हमने क्या किया एक अच्छा डायग्राम बनाया, अच्छा डायग्राम बनाने के बाद में क्या दिया हुआ है क्या सिद्ध करना है और रचना आगे की रचना भी, क्योंकि अपन ने कोण ए का समद्विभाजन कर रहे हैं तो कोण ए का समद्विभाजन कौन कर रहा है एडी, और एडी क्या कर रहा है कोण ए को समद्विभाजन कर रहा है लेकिन एडी भुजा बीसी को बिंदु बी पर मिल रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये अपन रचना में लिखेंगे। उसके बाद आप जैसे ये कोण ए का समद्विभाजन एडी है इस त्रिभुज को क्या कर रहा है दो त्रिभुजों में बांट रहा है, फिर अपने को इन दोनों त्रिभुजों को देखना है और दोनों त्रिभुज उत्पत्ति में हम क्या करेंगे दोनों त्रिभुजों को देखेंगे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो कौन से नियम के तहत सर्वांग सम हो रहे हैं, पहले दोनों त्रिभुजों को अच्छे तरीके से देखेंगे उसके बाद सर्वांग समता के नियम के अनुसार अपने को क्या करना है इनके अवयवों को लिखना है। त्रिभुज बीएडी और त्रिभुज सीएडी को अपन देख रहे हैं तो त्रिभुज बीएडी की दो भुजा और उनके बीच का कोण, इसी तरह से त्रिभुज सीएडी है इसकी भी दो भुजा और उनके बीच का कोण क्रमशः कैसे आ रहा है एक दूसरे के सर्वांग मतलब बराबर आ रहा है क्रमशः एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज बीएडी सर्वांग सम त्रिभुज सीएडी। अब नियम क्या पड़ेगा इसमें एस ए एस सर्वांग समता नियम से, यानी दोनों त्रिभुजों को अपन देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है दो भुजा और उनके बीच का कोण क्रमशः एक दूसरे के बराबर आ रहा है, इसीलिए त्रिभुज बीएडी सर्वांग सम त्रिभुज सीएडी नियम कौन सा बन गया सर्वांग समता का एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी बाई सी टी सी टी में एक दूसरे के बराबर, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं और अपने को पूछा भी क्या है सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो अपने को कोण बी और कोण सी को ही बराबर बताना था, तो कोण बी और कोण सी क्योंकि त्रिभुज अपने सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुज के ये दोनों क्या है संगत कोण होने से दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो लास्ट में अपने को कोण बी बराबर कोण सी बाय सी टी सी टी में इसको बराबर बताना है और नीचे अपने को एच पी आई टी सी टी लिखना। तो इस तरह से हमने क्या है ये प्रमेय की 7.2 इसको हमने इस तरह से सिद्ध करने के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की। अब आपको भी क्या करना पुनः इसी प्रमेय को एक बार और लिखना है, लेकिन लिखने से पहले अपन क्या करेंगे वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे उसके बाद इस प्रमेय को वापस लिखने की कोशिश करना, एच डब्ल्यू की कॉपी में इसी प्रमेय को वापस लिखेंगे। दूसरा अपने को प्रमेय के अनुसार डायग्राम बनाना भी आना जरूरी है, तो जिस तरह से अभी यहाँ पर प्रमेय थी उसके अनुसार हमने कच्चा चित्र बनाया था और कच्चा चित्र बनाने के बाद अपन क्या है उसको आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए कच्चा चित्र बनाना भी अपने को आवश्यक है, तो चित्र बनाना भी अपने को सीखना जरूरी है क्योंकि अगर चित्र प्रमेय के अनुसार नहीं बनाना आ रहा तो फिर अपन लिखेंगे कैसे, इसीलिए डायग्राम बनाना प्रमेय के अनुसार और जैसे भी आपको बताया वैसे उसको एक बार लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।